नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सीएमएचओ डॉक्टर विजय पथौरिया द्वारा हरपालपुर के स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर काफी समस्याएं सामने आई। कई लोगों ने इस बात को लेकर जानकारी उपलब्ध कराई कि यहां पर साफ सफाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है। इसके अलावा कई बार कागज दिखाए जाने के बावजूद उनको हितग्राहियों को राशि नहीं मिल पाती। डिलीवरी रूम, ड्रेसिंग रूम, महिला वार्ड और नगर के लोगों द्वारा समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें पानी को लेकर और डिलीवरी का पैसा न मिलने की शिकायत की गई। इस दौरान सीएमएचओ ने कहा कि अगर आगे इस प्रकार की शिकायत पाई गई तो वे कार्यवाही करेंगे। पानी की समस्या को 7 दिन के अंदर पूरा करने का आश्वासन भी सीएमएचओ डॉक्टर विजय पथौरिया ने दिया। जो सीएमएचओ सर का दौरा हुआ है, समस्याएं तो यहाँ है, काफ़ी है। यहाँ पे कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं था, अब मैं आ गया हूँ। मरीजों को जो सुविधाएं असुविधाएं हो रही थी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पानी नहीं है, लेबर जो होता है, डिलीवरी जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। उनके मरीजों के हित में जो भी अच्छा होगा मैं वो करूँगा। यहाँ पे जो पानी की समस्या है, जो सीएमएचओ सर ने बोला है, यहाँ की पब्लिक ने बोला है, वो पानी की समस्या भी 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगी। मैं घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधा है उनकी डिलीवरी किस तरह से हो रही है, आम जनता को उसका कितना लाभ मिल रहा है और जो टीकाकरण की स्थिति है वो कैसी है अपने जिला में, और जो गर्भवती माता है उनके रजिस्ट्रेशन हो रहा कि नहीं हो रहा, उनको पूरा पूरा फायदा मिलना नहीं मिलना चक्कर हम लोग पूरा दौरा कर रहे हैं, जिला चक्कर का कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो पात्रता के कागज़ चाहिए रहते हैं, वो कागज ना मिल पाने कहाँ से बड़ी मतलब जैसे भारी मन से कहना पड़ रहा है कि जैसे जो जितना होता है कागज नहीं दे पाता है या खाता नंबर दे पाता है, उसका से लेट हो रहा है। हमारी तरफ से ज़्यादा खुश होती है कि उसको लेट लगा। ठीक है।